नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, और इस जो शुरुआत है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ createjob.com। ठीक है, createjob.com क्या है इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता देते कि ये एक यूट्यूब चैनल जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पीछे कारण ये है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी भर्ती आती हैं, चाहे मारुति की बात करें, बजाज की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, तमाम जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनी की बात करें या इंडियन कंपनी हो या फॉरेन की जॉब हो, सब चीज़ों के बारे में वहां पे जानकारी अब दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हम लोग तैयारी करा ही रहे हैं इजी वे कोचिंग के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, एक एज खत्म होने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। उन सभी बच्चों के लिए एक शुरुआत है जहाँ जिसके माध्यम से आप प्राइवेट कंपनियों में अच्छा सैलरी पा सकते हैं और अच्छा करियर ग्रोथ भी पा सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत शुरुआत किया गया था। और आप लोगों का भी एक शिकायत रहा था कि सर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, अब क्या करें। और लगातार बच्चे पटना आते थे, पूछते थे कि सर मुझे प्राइवेट कंपनियों में कहीं भेज दीजिए, हम मिडिल क्लास फैमिली से, हम आईटीआई की, हमको आइडिया नहीं है कि मुझे जॉब कहाँ करना चाहिए, किस कंपनी में जॉब करनी चाहिए। इन तमाम जो समस्याएं थी हम लोगों के पास, इस सबके देखते हुए हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है, जिसका नाम है createjob.com। ठीक है, इसके माध्यम से अब आप लोगों को अच्छे जगह प्लेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप इससे जुड़ते हैं, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, आगे इसका एक वेबसाइट भी आ जाएगा createjob.com करके, जिस पे जितने भी भर्ती आएंगे सारा का वहाँ पे पोस्ट आपको दिखेगा। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन आ जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बन गया है, टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, फेसबुक ग्रुप बना है, फेसबुक पेज बन चुका है, हर जगह आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपके मनपसंद का जॉब होगा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और हम लोगों के थ्रू आपको आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई कंपनी वाला आपसे फ्रॉड नहीं करेगा, उन सब की जिम्मेदारी हम लोगों के पास रहेगी कि आपके आपको हर तरह से सुविधा मिले। साथ ही साथ नए शहर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये तमाम चीजों को आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे पूरा सिस्टम सपोर्ट करेगा कि आपको वहां भी अच्छा बेहतर माहौल मिले जहां पर आप रहकर अच्छा से जॉब कर सकें। ये सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग करने जा रहे हैं और इस सब में आपका सहयोग आवश्यक है। इसीलिए जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सीरियस है वो गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस बनाए रखें। ठीक है ना, अगर आपको इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना तो बिल्कुल इजी वे कोचिंग आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए 100% खड़ा है और तैयारी करवा रहा है। लेकिन जिनको लगता है, चाहे जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में छोड़ चुके हैं, नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको चाहिए होगा कहीं ना कहीं अपने करियर को बेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो हम लोग देने जा रहे हैं। इसीलिए YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे फ्यूचर में इसको और बेहतर हम लोग बनाएंगे आपके साथ जुड़कर। और मेरे साथ सोहनवाज सर हैं और जो इस पूरे सिस्टम को createjob.com को देखेंगे और आपके साथ वार्तालाप करेंगे, जहां भी आपको समस्या आएगा सर आपके साथ मिलकर उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं सोहनवाज खान, और अभी जैसा कि सर ने बताया, सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इनके हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे इंडिया की बहुत एक बड़ी आबादी है जो सब लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए भागते हैं, लेकिन क्या होता है, सबको गवर्नमेंट जॉब हो नहीं पाती है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनको क्या चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए। तो प्राइवेट जॉब के लिए क्या करना होता है, जैसे आप बिहार से हैं, पटना से हैं, गया से हैं, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप दिल्ली में जॉब करना चाहते, क्योंकि बिहार में तो कंपनी है नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, आईटीआई किए हैं तो आप जाएंगे दिल्ली, नोएडा या गुजरात या पुणे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये आपको आइडिया होती नहीं है। वो आपको एक क्रिएट जॉब जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। इसमें आपको सिंपल जो भी वैकेंसी आएगी प्राइवेट कंपनी में, वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपको आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे भी ऐड कर दिया जाएगा और आपको मेल आईडी दे दिया जाएगा, उस मेल आईडी पे अपना रिज्यूम भेजकर। और इसमें क्या होगा, एक नॉमिनल फीस होगा जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार दे दिए फिर दोबारा आपको पेमेंट करना, कुछ नहीं, आपको एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेज होगा, जो नॉमिनल फीस होगा, और वो आपको वन टाइम रहेगा लाइफ टाइम के लिए। एक बार आप पेमेंट कर दीजिए, वो लाइफ टाइम हम आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं हम आपको प्लेसमेंट कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप यहाँ से, जैसे पटना से आप निकले तो आप वहाँ पर जाएंगे, जैसे नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं,
गुजरात जा रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे टीम के आदमी, मेरे टीम के मेंबर आपको रिसीव करेगा, कंपनी तक ले जाएगा, सारा सिलेक्शन की प्रोसेस करवाएगा, इवन आपको रहने की फैसिलिटी जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूरी फुल सपोर्ट हमारी टीम करेगा। तो ये सब पॉसिबल है ये क्रिएट जॉब के माध्यम से और अभिषेक सर के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो सहनाज जी आपको पूरी तरह से मदद करने वाले हैं, और सर ने बताया कि छोटा मोटा आप चार्जेस लगेगा, मतलब ये नहीं है कि 2-4 हज़ार लगने, वैसा कुछ नहीं है, 100-200 इसी के आसपास रहेगा। बिल्कुल और कहीं कहीं कंपनियों में रिक्वायरमेंट होता है सॉफ्ट स्किल का, ठीक है ना। सॉफ्ट स्किल मतलब आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, ईमेल करने आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई कोई सॉफ्टवेयर पर काम करने आना चाहिए। ये तमाम छोटा छोटा सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ती है। वो सॉफ्ट स्किल जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अच्छी सैलरी के लिए अच्छा ज्ञान भी होना जरूरी होता है, ठीक है ना। मान लीजिए 25,000-20,000 सैलरी आपको चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल आपको आना चाहिए। डिजिटल जमाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। उसका भी कोर्स हम लोग इजी वे कोचिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, कि अगर आप उस कोर्स को कर लेंगे तो आपको सॉफ्ट स्किल में कहीं दिक्कत नहीं होगा, चाहे इंटरनेट चलाना हो, आपको ईमेल करना, आपको कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई छोटा सॉफ्टवेयर पे काम करना हो, ये तमाम जानकारी उसमें हम लोग देकर आपको ट्रेंड कर देंगे। उसका भी चार्ज बेहद ही कम रहेगा, 1,500 के बीच में ही रहेगा, और ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जैसा सर ने बताया कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक बार जुड़ जाते हैं, तो आपको हम लोग 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन करा देंगे, जो आपको जहां मन पसंद आपको जॉब दिखेगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि इसी में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, जहां आपको सुविधा लगेगा उसी में ही जाना होगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि इतने सारा प्रक्रिया किया जाएगा। जैसे सर ने बताया कि आपका हम रिक्रूटमेंट करेंगे, इसके बाद जहाँ जाएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हो, या वहाँ पर विजिट करना हो, आपको रूम खोजना हो, आपको खाने की सुविधा प्रोवाइड करनी हो, ये तमाम चीज़ों में मदद किया जाएगा। तो इसके लिए तो पूरा टीम काम करेगा, तो छोटा मोटा अमाउंट चाहिए ही चाहिए। आप समझ सकते हैं मेरी चीज़ों को, बात सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर। तो और यहाँ तक है कि सर का मेहनत ये है कि पूरे अच्छी अच्छी कंपनियों को ढूंढा जा रहा है आप लोगों के लिए, कि जो बढ़िया सैलरी दे और बढ़िया जिम्मेवारी ले, और आगे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया में, अच्छे अच्छे कंपनियों में काम कर लेंगे, आपके पास अनुभव अच्छा रहेगा, तो फिर आप खुद के बेसिस पे भी बढ़िया सैलरी पा सकते हो अदर कंपनियों में जाकर। दूसरा, अगर आपको फॉरेन जाना होगा, मैं बार बार पहले भी जिक्र कर रहा था कि विदेश जाने के लिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जा सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस होगा तो आप विदेशी कंपनियों में भी ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे। तो इसीलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अभी तक IIT छात्रों के लिए ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोग लेकर आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि IIT के बच्चे को हर तरह से मदद करें, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाने की बात हो, पढ़ने की बात हो। ITI में एडमिशन भी अगर आप लेना चाहते हैं क्या सर, बिल्कुल तो हमारे माध्यम से ले सकते हैं, और इजी वे कोचिंग पूरी तरह से फ्री रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। इजी वे कोचिंग का फी लगभग 15-20 हज़ार रुपये पड़ जाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़िएगा, सब कुछ पढ़िएगा, तो वो पूरी तरह से फ्री रहेगा अगर आप हमारे माध्यम से ITI में एडमिशन लेते हैं तो। दूसरा, क्रिएट जॉब के माध्यम से आपको प्राइवेट कंपनी में 15 से 20 हज़ार सैलरी पर हम लोग प्लेसमेंट भी करा देंगे। गवर्नमेंट जॉब एक सेक्टर में बात जाना और हो तो सर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको हम भेज सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे माध्यम से होगा। सर कुछ कहना एक बात चाहते और मैं रोकना चाहूँगा। सर ने अभी बताया कि 15 से 20 हज़ार सैलरी मिल जाएगा, हैं? तो पहले मैं बता दूँ कि आप ITI किए हैं, आपको नॉलेज क्या है, कंपनी में जाएंगे आपको क्या आता है, आपको कंपनी क्यों पैसा देगी, पहली बात ये। तो कंपनी आपको पहली बार रखती है तो वो आपको सिखाती है, 1 साल 6 महीने सिखाती है। तो शुरू में जो बच्चे 20 हज़ार के चक्कर में रहते हैं उनको कभी मिलता नहीं है और घर पे ही बैठे रहते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको स्टार्टअप करना है, जहाँ मिल रहा है जैसे मिल रहा आपको स्टार्ट कर लेना। 10 हज़ार मिल रहा कोई नहीं, आप स्टार्ट कर लो, गारंटी मैं देता हूँ कि आप 6 महीने के बाद मेहनत करोगे तो आप उस आपकी वो 10 हज़ार जो है वो 20 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आप घर पर रहोगे तो आप 6 महीना क्या 2 साल भी बैठे रहो, 2 साल के बाद ही प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 10 हज़ार ही रहेगी। और जो 15 से 20 हज़ार बोला जा रहा है वो उन बच्चों के लिए है जिसके पास मतलब ज्ञान हो, सॉफ्ट स्किल आता हो, बढ़िया जानकारी हो, कहीं काम किया हो, अप्रेंटिसशिप किया हो, तमाम चीज़ें हो, तो कंपनियां डिसाइड करती हैं। लेकिन एज ए फ्रेशर आप शुरू करेंगे तो जो पूरे इंडिया में जो आपको सैलरी मिलता है वही मिलेगा। हम लोगों को कहने से कोई 50 हज़ार रुपये नहीं दे देगा, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा, है ना। जीरो से शुरुआत करके लोग बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। मेरे पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है कि उन्होंने शुरुआत किया था बेहद कम पैसे में और आज उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो सही बात बोल रहे हैं सर कि अगर आप लोगों को घर बैठेंगे तो घर बैठे रह जाएंगे, लेकिन अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पैसे बढ़ते जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कितना आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। और भी कुछ सर बोलना चाहते हैं बच्चों को? नहीं बस यही कहेंगे कि आप लोग जुड़िए इससे और एक बार देखिए, जरूर फायदे मिलेगा सबको।
और और हमारा ईमेल आईडी और हमारे हेल्पलाइन नंबर दोनों स्क्रॉल करेगा, आपको स्क्रॉलिंग में दिखेगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल अभी मत कीजिएगा क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी भर्ती आएगा, चैनल पे अपलोड किया जाएगा, चैनल के पे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो क्रिएट जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी वीडियो आए तो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके चीज़ों का कुछ, आपके लिए कोई काम का चीज़ वहाँ पर मिल जाए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब कहा जाए तब कॉल कीजिएगा, बेवजह कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ईमेल कीजिएगा, ईमेल से ही रिप्लाई आपको हम लोग कर देंगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और बैठ कर हम आपको जॉब के बारे में समझाने लगे तो टाइम नहीं होता है, इसीलिए आप कॉल ना करेंगे। जिस दिन जिस वीडियो में बोला जाएगा कॉल करने के लिए उसमें कॉल करेंगे, बाकी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक इस चैनल पर सर हम लोग अपडेट देते रहेंगे तो आपको हाँ कॉल करने का कोई इसीलिए जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या आप जानना चाहते हैं, उस पर वीडियो हम लोग लाएंगे। सोनाल सर का भी वीडियो आएगा, मेरा भी आएगा, आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सब चीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। बिल्कुल, और अब कोई अगले, डाउट होगा तो आप हाँ लोग अगले कमेंट बॉक्स वीडियो में में पूछ लीजिए। जॉब को लेकर आते हैं, ठीक है ना। जो जॉब निकला हुआ है, दो चार जॉब जो हम लोग को ऑफर किया गया है, उसको लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे, सोनाज सर आएंगे। तो चलिए, आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।